आज की शादी है रेडिसन ब्लू होटल में, चार्ज भी हुए हैं और मुझे अभी भी नींद आ रही है। सबको पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं। Hey guys, welcome back to the channel. आज मेरी ननद की शादी है एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली अभी बारात आ गई है, हम लोग अभी बारात को वेलकम करने जा रहे हैं। गाइस तो कुछ है यहाँ स्वागत की तैयारी हो रही है। ये दुल्हन का भाई है। ये आज हमारा शादी वाला लुक है और वैसे आज की शादी है रेडिसन ब्लू होटल में एंड अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। और फोटोजेनिक लाइट है सो हमारे फेस से बहुत प्यारे लग रहे हैं। ओह ये बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे फोटो बनता है। ये जो लड़की के भाई रहते हैं ये हमेशा काम करते हुए मिलेंगे आपको। बहुत आनंदा शहर है, स्मोक ही स्मोक। जस्ट फोटो शूट हुआ है, रात के भी 12 बज चुके हैं और सब लोग यहाँ पे बैठे हैं चिल कर रहे हैं। अभी एक्चुअली रात के 1:30 बजे है। 1:30 बजे? हाँ, नहीं थैंक यू, अभी हमने खाना शुरू किया है। वैसे आज का जो फंक्शन है वो है रेडिसन ब्लू में। रेडिसन ब्लू का हमने ऑलरेडी रिव्यू दे दिया था, बट नागपुर का नहीं, मुंबई का। जब हमने फूड ट्राई किया था रेडिसन ब्लू में तब हमको इतना अच्छा नहीं लगा, बट आज का फूड बहुत अच्छा है। शायद हमने शादी के अलग से प्रिपेयर किया होगा तो इसमें बहुत स्पाइसेस है और जैसा हमको पसंद है वैसा फूड है। ये चल रहा है दूल्हा दुल्हन का फोटो शूट और ये यहाँ चल रहा है। ये लोग टायर्ड हो चुके हैं और ये जमीन पे बैठ गए, चार्ज भी हुए हैं। बैटरी डाउन है, भैया की चार्जिंग के लिए गए थे, मिला नहीं काफी टाइम से, लेजी हो गया, ये चार्ज हो गया। अच्छा आप आ गए चार्ज हो के। चार एक्चुअली बात करके भी नहीं हो रहा है, टायर्ड हो चुके हैं, नींद आ रही है। वैसे तो अभी फ्रेश अप हो गए, वाटर डे, अभी तो अगला दिन भी शुरू होने वाला है। कल की शादी के बाद हमको सोने के लिए लगभग 4:30 बज गए रात के एंड हम सो नहीं पाए, सो टीनी भी पूरी एग्जॉस्टेड हो गई थी, बट स्टिल मैनेज टू लुक दिस स्टनिंग। आज हम थोड़ा ट्रेडिशनल अटायर में और मुझे अभी भी नींद आ रही है। yeah, पूरे नींद में अभी तो, अभी बाय द वे टू गिव यू द प्रीटेक्स्ट, अभी दोपहर के 3:30 बजे है और एक्चुअली बहुत टायर्ड लग रहा है यार, पता है, क्योंकि एक शादी में लोग टायर्ड हो जाते हैं। हम दोनों की तो दो दो शादियों के फंक्शन हो चुके हैं, प्लस ये 2 दिन एडमिट थी लड़की। सो आज एक्चुअली पहुंचा रहे लड़के वालों की, जो शादुल की सिस्टर है हम उसको लेने जा रहे हैं और कल हमारे घर पहुंचा रहे, वो लोग आके शादुल की सिस्टर को लेके जाएंगे। तो ये ऐसा एक रिचुअल है जो फॉलो होता है। मैं अभी फिलहाल खाना खा रहा हूँ और खाने में वाव, चिकन मटन एंड दाल, और ये इसको लेने आए हम मेरे सामने का, और मेरा पेट और इसने खाना भी नहीं खाया अभी तक, हमने भी खाया। उसकी भूख पे सब मर गई है। नींद चाहिए। उधर चल रहा है फंक्शन, खाना ज्यादा हो गया तो ज्यादा बना रहा। ये जगह ऐसी नहीं बनती, तू एक्चुअली डांस कर रहे हो। हम लोग हाथ छोड़ के काम करते हैं। अच्छा, पर क्यों करना है आपको हाथ छोड़ के, गिर गए तो गिरा था कैसे मैंने? अरे मत करो बाबा ऐसे। By the way, you guys are looking really nice, really cute. Yeah. यहाँ पे अभी गेम्स चलने वाले हैं, पता नहीं क्या गेम। और कपल्स कहाँ हैं? मेरा तो कपल्स, मेरा तो यहाँ पे है। आंटी गेम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सबको पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं। आंटी के इंस्ट्रक्शन अलग है, अभी आना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कुछ आइडिया गेम्स का? किसी को कुछ आइडिया है? मम्मी तो यहाँ पे फील्ड सेट कर रही है। मम्मी नहीं है, कर क्या रहे?
तो किसी को क्लू है क्या गेम्स क्या है आने वाले क्या? उनकी शादी में हुआ था या आपके शादी में गेम्स था? सो ऑल द बेस्ट, लेट्स गो। जीतेगी तो मम्मी। हां क्या कोई भी कह जाएगा हम हारेंगे। ये ली लेकिन हमें रैंप वॉक किया, अभी थक गए, एक राउंड में थक गए, जैसे हम पहले आउट हो चुके हैं तो फिर अभी चिल कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। मम्मी आ गए, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद थी। कोई नहीं कोई नहीं, आप रैंप वॉक करो। ऐसा हाथ हाथ थोड़ी हाँ लड़के वालों के घर में पाउंचर था एंड हमने बहुत एंजॉय किया। एक्चुअली बहुत सारे गेम्स के लिए डांस किया एंड बहुत एंजॉय किया एंड आज सारे फंक्शंस में से सबसे लास्ट फंक्शन है। हमारे यहाँ पे पाउंचर लड़के वाले आएंगे और फाइनली अप्पी को लेके जाएंगे। आज भी नॉनवेज है, खाने में नॉनवेज रहेगा, वेज रहेगा और बहुत सारी चीजें रहेगी, बहुत सारी मस्ती भी रहेगी। अभी तक हमारे लाइफ में हमने कॉन्स्टेंटली इतने सारे फंक्शन कभी अटेंड नहीं किए बैक टू बैक बैक टू बैक। एक तो रहते तो बहुत सारे वेट एक साथ रहते हैं फिर कुछ भी नहीं रहता है, थोड़ा टायर्ड फील करते हैं फिर बहुत एंजॉय करते हैं फिर एकदम एग्जॉस्ट होकर सो जाते हैं। यही रहता है हमारा पूरा इसका पैटर्न। यहाँ पे भी खाने पीने का अरेंजमेंट हो रहा है सर, पानी का अरेंजमेंट हो रहा है। मैं तो नहाया नहीं हूँ सुबह से, अभी मैं नहाने जाने वाला हूँ। कैसा रहता घर में शादी रही तो? अभी शाम हो गई है, नहा लो, 7 बजे का फंक्शन है। फंक्शंस खत्म हो चुके हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मुंबई। हम यहाँ पे अराउंड 2 हफ्ते थे एंड नाउ वी आर एक्चुअली ड्राइविंग विद द न्यूली मैरिड कपल। They're focusing on driving, they're focusing on sitting and talking to you guys. बुरा लग रहा है थोड़ा सा, थोड़ा सा सैड लग रहा है। अगर सुना सुना हो गया मेरी मम्मी का भी और सादर की मम्मी का भी। अभी हमारी फैमिली और एक्सटेंड हुई है, अभी हम लोग वेट करेंगे कि ये लोग हमारे घर है मुंबई। हमको सेफली पहुँचना है। तो भी एडजस्टमेंट चल रहा है हमारा। कैच ये पहन लो, बहुत गर्मी है तब भी। तो दीनी हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम स्टिल सिक ऑफ द बसेस। एयरपोर्ट टूर शुरू है, हम लोग पिछले 15 मिनट से इसमें यहाँ पे ही है। शायद हमने T2 में लैंड किए थे, अभी पे गोइंग टू T1। पूरा एयरपोर्ट का हमारा चक्कर हो चुका है पूरा। पहली बार ऐसा हुआ कि फ्लाइट से ज्यादा बस की राइड थी। ऐसे क्यों बैठी है तू? मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मैंने शादी का जैकेट भी ले लिया है। हाँ सही है, और अपना लगेज भी लेट आने वाला है। हमें आते आते तो लेट हो गया तो फिर लगेज के लिए क्या बोल सकते हैं। बट फाइनली तो पहुंच गई मुंबई का। बार नागपुर में हमको बहुत मजा आई, हमने इतने सारे फंक्शंस अटेंड किए एंड फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। ऐसा चांस बहुत कम आता है। जब हम वापस मुंबई आए उसके बाद हम लोग इतने टायर्ड थे, सो व्लॉग शूट करना हम भूल ही गए। अभी जब मैंने ये वीडियो एडिट किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये व्लॉग हमने एंड नहीं किया है। सो आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग अवर व्लॉग्स। बाय।